ACG, अपना करियर गुरु। सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोस। हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर चैनल एसीजी अपना करियर गुरु। मैं दिशा अवस्थी आज आपके लिए वीकली करंट अफेयर्स लेके आई हूँ, यानी आज तक हमने जो छः सात दिनों के अंदर जो भी क्वेश्चंस को कवर किया है उसको आज हम वापस से एक बार डिस्कस करेंगे, ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएँ और एक बार वापस आपको सब कुछ रिवाइज हो जाए। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो था वो था, वेयर इज़ दी ननकाना साहिब सिटी लोकेटेड। ननकाना साहिब सिटी जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है? काफ़ी प्रसिद्ध सिटी है ये, जो कि इंडोनेशिया में है, बांग्लादेश में है, भारत में है या फिर पाकिस्तान में है। तो ये सिटी जो है हमारी वो लोकेटेड है पाकिस्तान के अंदर। और यहाँ की जो न्यूज़ ये थी कि एक मॉब, यानी कि कुछ भीड़, लोगों की जो भीड़ थी उन्होंने यहाँ पे अटैक कर दिया था ननकाना साहिब जो है गुरुद्वारा वहाँ पर। वहाँ के जो नाम चेंज करने के भी उनके मतलब उनका था कि यहाँ पे नाम चेंज कर दे ये लोग इस जगह का। तो ये काफ़ी जो है सिचुएशन वहाँ पे ऐसे अराइज़ हो गई हैं, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन अराइज़ हो गई हैं। तो ये एक न्यूज़ थी। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सैमसंग के लिए डिक्सन टेक्नो कंपनी भारत के किस शहर में LED मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो स्थापित करेगी? कौन सा शहर है वो, जोधपुर, तिरुपति, दिल्ली या फिर मुंबई? तो ये जो डिक्सन टेक्नो कंपनी है वो भारत के तिरुपति शहर के अंदर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो होगी सैमसंग के लिए वो स्थापित करेगी। ये LED पैनल बनाएंगे, मोस्टली इनका फोकस रहेगा LED पैनल बनाने का। तो ये जो कंपनी है वो साउथ कोरियन कंपनी है, जिसकी साउथ कोरिया की अपनी जो करेंसी है वो वॉन है, और वहाँ की जो कैपिटल है वो सियोल है, और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है मून जेन। मून जेन जो है वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। आगे चलते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च साइबर सेफ वुमेन इनिशिएटिव रिसेंटली? साइबर सेफ वुमेन इनिशिएटिव कौन से स्टेट के अंदर जो है लॉन्च हुआ है? गोवा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान? तो आंसर हमारा महाराष्ट्र रहेगा। तो महाराष्ट्र के अंदर ये जो है इनिशिएटिव जो है इसके अंतर्गत एक जो स्कीम है ये लॉन्च की गई है। साइबर सेफ वुमेन की जो इनिशिएटिव है वो वहाँ पे लॉन्च किया गया है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के जो CM है वो है उद्धव ठाकरे, और वहाँ की जो गवर्नर है वो है हमारे भगत सिंह कोशियारी। भगत सिंह कोशियारी जो है वहाँ के गवर्नर है। फोर्थ ऑल इंडिया पुलिस जूडो क्लस्टर चैंपियनशिप जो है उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? उसका उद्घाटन नित्यानंद राय, अमित शाह, प्रकाश जावड़ेकर या फिर स्मृति ईरानी ने किया? किसने किया? नित्यानंद राय ने जो है उसका इनॉग्रेशन किया है। नित्यानंद राय जो है कौन है? वो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स जो है, स्टेट के मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं। ठीक है। हु हैज़ बीन मेड द न्यू चीफ ऑफ IRGC? IRGC के न्यू चीफ जो है वो कौन बने हैं? बाई रिप्लेसिंग कासिम सुलेमानी। कासिम सुलेमानी जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हो गई थी लद्दाख के अंदर, अपनी US की जो आर्मी है उन्होंने अटैक किया था वहाँ पे, जिसके अंदर कासिम इस्माइल कानी जो हैं वो उनकी जगह उन्होंने रिप्लेस कर दिया है। किसको? कासिम सुलेमानी को, जिनकी इस अटैक के अंदर डेथ हो गई थी। सो IRGC क्या होता है? इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर, ये है इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। तो उसके अब नए जो हैं वो कौन है? हमारे इस्माइल कानी है न्यू चीफ। हाउ मैनी EV चार्जिंग सिस्टम्स हैव बीन अनाउंस्ड टू सेटअप इन 62 सिटीज़ बाय यूनियन गवर्नमेंट? कितने सेटअप करने का बोला है? तो इसका आंसर रहेगा 2636 जो है EV चार्जिंग सिस्टम्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग सिस्टम जो है वो यहाँ पे सेटअप होने वाले हैं, जिससे कि व्हीकल जो है, इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल्स होते हैं वो वहाँ पे चार्ज हो जाएंगे उन स्टेशंस पे। तो ये एक न्यूज़ में आया था अभी रिसेंटली, तो ये नंबर याद रखेगा 2636। उसके बाद में, व्हेन इज़ द वर्ल्ड ब्रेल डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड ब्रेल डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? सो आंसर हमारा रहेगा 4th of January। 4th of January को जो है हम लोग वर्ल्ड ब्रेल डे बनाते हैं। किसके नाम पर? लुईस ब्रेल के नाम पे ये जो दिन है ये मनाया जाता है, जिन्होंने 6-डॉट लैंग्वेज यानी ब्रेल लैंग्वेज को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, जो कि किसके लिए होती है? जो देख नहीं सकते आँखों से, उनके लिए ये ब्लाइंड लैंग्वेज जो है वो ब्रेल लैंग्वेज है, वो इंट्रोड्यूस की थी। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में विश्व का द्वितीय सबसे लंबा सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण किस शहर में हुआ था? सेकेंड लार्जेस्ट जो है अपनी वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, उसका इनॉग्रेशन कहाँ हुआ? फर्स्ट मूर्ति तो हमको पता है जो कि अपनी बड़ौदा के अंदर है, सेकेंड कहाँ बनी है? गांधीनगर, अहमदाबाद,
सूरत या फिर चेन्नई, तो इसका आंसर रहेगा हमारा अहमदाबाद। अहमदाबाद के अंदर ये जो है मूर्ति का अनावरण हुआ है, और इसकी अहमदाबाद इसके अंदर इसकी जो हाइट है वो है 55 feet टॉल, यानी 55 feet टॉल ये मूर्ति है, और इसका वज़न जो है 70,000 kilo इसका वज़न है मूर्ति का। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया लाई हरोबा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। लाई हरोबा त्यौहार जो है इंडिया के किस राज्य में जो मनाया जाता है, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम या फिर नागालैंड? तो मणिपुर के अंदर ये जो है फेस्टिवल वो मनाया जाता है। मणिपुर की जो अपनी राजधानी है वो क्या है, इम्फाल। इम्फाल जो है वो मणिपुर की राजधानी है, और नजमा हेपतुल्ला जो है यहाँ के हैं गवर्नर, नजमा हेपतुल्ला वहाँ की गवर्नर है। मिजोरम जो है नेक्स्ट उसकी अपनी कैपिटल क्या है, ऐजवाल। ऐजवाल उसकी कैपिटल है मिजोरम की, और मिजोरम के अपने जो गवर्नर है वो कौन है, पीएस पिल्लई। पीएस पिल्लई अपने मिजोरम के गवर्नर है। फिर नेक्स्ट है अपना त्रिपुरा। त्रिपुरा की तो है अगरतला, और वहाँ के जो गवर्नर है वो रमेश बाईस। रमेश बाईस वहाँ के गवर्नर है, अगरतला वहाँ की कैपिटल है। फिर है हमारा नागालैंड। नागालैंड की कोहिमा और आर एन रवि जो है वहाँ के गवर्नर है। ठीक है, सारी देख ली, अब आगे चलते हैं। इन विच सिटी इसरो स्टार्टेड इट्स न्यू एकेडमी सेंटर। इसरो ने जो अपना न्यू एकेडमी सेंटर है वो कौन सी सिटी के अंदर, इंडिया के अंदर उन्होंने शुरू किया है? तो जयपुर राजस्थान, गांधीनगर गुजरात, सूरतकल कर्नाटका या फिर मुंबई महाराष्ट्र। तो सूरतकल कर्नाटका के अंदर उन्होंने जो ये नया सेंटर है, एकेडमी सेंटर है, वो बनाया है। तो सूरतकल कर्नाटका जो कि है इसरो, अपनी इसरो का जो न्यू एकेडमी सेंटर है वहाँ पर लॉन्च किया। इसरो के अपने जो चेयरपर्सन हैं वो के सिवान हैं, जो कि अभी रिसेंट न्यूज़ में थे चंद्रयान 2 की वजह से, उनके बारे में हमको पता है। तो ये एकेडमी का इतना ही है कि सूरत कला में ये लोकेटेड है, बस इतनी क्वेश्चन है इसमें, सब कुछ रिवाइज हो जाए। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो था वो था, वेयर इज़ द ननकाना साहिब सिटी लोकेटेड। ननकाना साहिब सिटी जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है? काफ़ी प्रसिद्ध सिटी है ये, जो कि इंडोनेशिया में है, बांग्लादेश में है, भारत में है या फिर पाकिस्तान में है। तो ये सिटी जो है हमारी वो लोकेटेड है पाकिस्तान के अंदर। और यहाँ की जो न्यूज़ ये थी कि एक मॉब यानी कि कुछ भीड़, लोगों की जो भीड़ थी उन्होंने यहाँ पे अटैक कर दिया था ननकाना साहिब जो है गुरुद्वारा वहाँ पर। वहाँ के जो नाम चेंज करने के भी उनके मतलब उनका था कि यहाँ पर नाम चेंज कर दे ये लोग इस जगह का। तो ये काफ़ी जो है सिचुएशन वहाँ पे ऐसे अराइज़ हो गई हैं, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन अराइज़ हो गई हैं। तो ये एक न्यूज़ थी। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, सैमसंग के लिए डिक्सन टेक्नो कंपनी भारत के किस शहर में एलईडी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो स्थापित करेगी? कौन सा शहर है वो, जोधपुर, तिरुपति, दिल्ली या फिर मुंबई? तो ये जो डिक्सन टेक्नो कंपनी है वो भारत के तिरुपति शहर के अंदर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो होगी सैमसंग के लिए वो स्थापित करेगी। ये एलईडी पैनल बनाएंगे, मोस्टली इनका फोकस रहेगा एलईडी पैनल बनाने का। तो ये जो कंपनी है वो साउथ कोरियन कंपनी है, जिसकी साउथ कोरिया की अपनी जो करेंसी है वो वॉन है, और वहाँ की जो कैपिटल है वो सियोल है, और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है मून जेन। मून जेन जो है वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। आगे चलते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च साइबर सेफ वुमेन इनिशिएटिव रिसेंटली? साइबर सेफ वुमेन इनिशिएटिव कौन से स्टेट के अंदर जो है लॉन्च हुआ है, गोवा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान? तो आंसर हमारा महाराष्ट्र रहेगा। तो महाराष्ट्र के अंदर ये जो है इनिशिएटिव जो है इसके अंतर्गत एक जो स्कीम है ये लॉन्च की गई है, साइबर सेफ वुमेन की जो इनिशिएटिव है वो वहाँ पे लॉन्च किया गया है। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के जो सीएम है वो है उद्धव ठाकरे, और वहाँ की जो गवर्नर है वो है हमारे भगत सिंह कोश्यारी जो है वहाँ के गवर्नर है। फोर्थ ऑल इंडिया पुलिस जूडो क्लस्टर चैंपियनशिप जो है उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? उसका उद्घाटन नित्यानंद राय, अमित शाह, प्रकाश जावड़ेकर या फिर स्मृति ईरानी ने किया? किसने किया, नित्यानंद राय ने जो है उसका इनॉग्रेशन किया है। नित्यानंद राय जो है कौन है, वो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स जो है, स्टेट के मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं। ठीक है, हु हैज़ बीन मेड द न्यू चीफ ऑफ IRGC? IRGC के न्यू चीफ जो है वो कौन बने हैं, बाई रिप्लेसिंग
कासिम सुलेमानी। कासिम सुलेमानी जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हो गई थी लद्दाख के अंदर, जो अपनी यूएस की जो आर्मी है उन्होंने अटैक किया था वहाँ पे, जिसके अंदर कासिम इस्माइल कानी जो हैं वो उनकी जगह उन्होंने रिप्लेस कर दिया, किसको, कासिम सुलेमानी को, जिनकी इस अटैक के अंदर डेथ हो गई थी। सो आईआरजीसी क्या होता है, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर, ये है इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। तो उसके अब नए जो हैं वो कौन है, हमारे इस्माइल कानी है न्यू चीफ। हाउ मैनी ईवी चार्जिंग सिस्टम्स हैव बीन अनाउंस्ड टू सेटअप इन 62 सिटीज बाय यूनियन गवर्नमेंट, कितने सेटअप करने का बोला है। तो इसका आंसर रहेगा 2636 जो है ईवी चार्जिंग सिस्टम्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग सिस्टम जो है वो यहाँ पे सेटअप होने वाले हैं, जिससे कि व्हीकल जो है, इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल्स होते हैं वो वहाँ पे चार्ज हो जाएंगे उन स्टेशंस पे। तो ये एक न्यूज़ में आया था अभी रिसेंटली, तो ये नंबर याद रखेगा 2636। उसके बाद में व्हेन इज़ द वर्ल्ड ब्रेल डे सेलिब्रेटेड, वर्ल्ड ब्रेल डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। सो आंसर हमारा रहेगा 4th of January को जो है हम लोग वर्ल्ड ब्रेल डे बनाते हैं, किसके नाम पर, लुईस ब्रेल के नाम पे ये जो दिन है ये मनाया जाता है, जिन्होंने 6-डॉट लैंग्वेज यानी ब्रेल लैंग्वेज को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, जो कि किसके लिए होती है, जो देख नहीं सकते आँखों से उनके लिए ये ब्लाइंड लैंग्वेज जो है वो ब्रेल लैंग्वेज है, वो इंट्रोड्यूस की थी। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में विश्व का द्वितीय सबसे लंबा सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण किस शहर में हुआ था। सेकेंड जो सबसे लंबी, सेकेंड लार्जेस्ट जो है अपनी वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, उसका इनॉग्रेशन कहाँ हुआ। फर्स्ट मूर्ति तो हमको पता है जो कि अपनी बड़ौदा के अंदर है, सेकेंड कहाँ बनी है, गांधीनगर, अहमदाबाद, सूरत या फिर चेन्नई। तो इसका आंसर रहेगा हमारा अहमदाबाद, अहमदाबाद के अंदर ये जो है मूर्ति का अनावरण हुआ है, और इसकी अहमदाबाद, इसके अंदर इसकी जो हाइट है वो है 55 feet टॉल, यानी 55 feet टॉल ये मूर्ति है, और इसका वजन जो है 70,000 kilo इसका वजन है मूर्ति का। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया लाई हरोबा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड, लाई हरोबा त्यौहार जो है इंडिया के किस राज्य में जो मनाया जाता है, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम या फिर नागालैंड। तो मणिपुर के अंदर ये जो है फेस्टिवल वो मनाया जाता है, मणिपुर की जो अपनी राजधानी है वो क्या है, इम्फाल, इम्फाल जो है वो मणिपुर की राजधानी है, और नजमा हेपतुल्ला जो है यहाँ के हैं गवर्नर, नजमा हेपतुल्ला वहाँ की गवर्नर है। मिजोरम जो है नेक्स्ट, उसकी अपनी कैपिटल क्या है, ऐजवाल, ऐजवाल उसकी कैपिटल है मिजोरम की, और मिजोरम के अपने जो गवर्नर है वो कौन है, पी एस पिल्लई अपने मिजोरम के गवर्नर है। फिर नेक्स्ट है अपना त्रिपुरा, त्रिपुरा की तो है अगरतला, और वहाँ के जो गवर्नर है वो रमेश बाईस वहाँ के गवर्नर है, अगरतला वहाँ की कैपिटल है। फिर है हमारा नागालैंड, नागालैंड की कोहिमा, और आर एन रवि जो है वहाँ के गवर्नर है। ठीक है, सारी देख ली, अब आगे चलते हैं। इन विच सिटी इसरो स्टार्टेड इट्स न्यू अकेडमी सेंटर, इसरो ने जो अपना न्यू अकेडमी सेंटर है वो कौन सी सिटी के अंदर, इंडिया के अंदर उन्होंने शुरू किया है। तो जयपुर राजस्थान, गांधीनगर गुजरात, सूरतकल कर्नाटका या फिर मुंबई महाराष्ट्र। तो सूरतकल कर्नाटका के अंदर उन्होंने जो ये नया सेंटर है, अकेडमी सेंटर है वो बनाया है। तो सूरतकल कर्नाटका जो कि है इसरो, अपनी इसरो का जो न्यू अकेडमी सेंटर है वहाँ पर लॉन्च किया। इसरो के अपने जो चेयरपर्सन है वो के सिवान है, जो कि अभी रिसेंट न्यूज़ में थे चंद्रयान 2 की वजह से, उनके बारे में हमको पता है। तो ये एकेडमी का इतना ही है कि सूरतकला में ये लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि व्हाट वाज द इंडियन फॉरेक्स रिजर्व बाय द एंड ऑफ दिसंबर 2019 के एंड तक हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व था इंडिया का वो कितना रहा था। 468.36 बिलियन US डॉलर, 453 बिलियन US डॉलर, 368.47 बिलियन US डॉलर या फिर 454.57 बिलियन US डॉलर। तो आंसर हमारा रहेगा 453 बिलियन US डॉलर जो है ये काफ़ी ऊंचाई पर पहुंच चुका था हमारा इंडियन फॉरेक्स रिजर्व, तो इस वजह से ये काफ़ी सुर्खियों में रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, NEST जो है नेस्ट, इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर। ऑप्शन है न्यू एमर्जिंग एंड स्ट्रेटेजिक टीचिंग, न्यू एमर्जिंग एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी, न्यू यूरोप एंड स्टेट टर्मिनेशन या फिर न्यू इमर्जिंग एंड स्ट्रेटेजिक टर्मिनेशन। तो आंसर हमारा रहेगा न्यू इमर्जिंग एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी जो है इसका आंसर है।
इसके अपने जो यूनियन मिनिस्टर हैं हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स, वो हैं हमारे सुब्रमण्यम जयशंकर। सुब्रमण्यम जयशंकर जो हैं इसके मिनिस्टर हैं। सो NEST का हमने पढ़ लिया, अब आगे चलते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर 2020 एज ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ? ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ जो है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने घोषित किया है 2020 को? WTO, WHO, यूनेस्को या फिर ICJ? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने डिक्लेयर किया है 2020 को ईयर ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफ। सो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। WHO जो है उसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है, और इसके डायरेक्टर जनरल जो हैं वो टेब्रोस है। और ये जो ईयर इन्होंने घोषित किया, ये किस लिए किया है? क्योंकि ये 200th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटेंगल, जो कि काफ़ी जानी मानी जो हैं जिन्होंने नर्सिंग के फील्ड में योगदान दिया, वो थी, जिनके 200th बर्थ एनिवर्सरी पे इस साल को उन्होंने डेडिकेट किया है फॉर द ईयर ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। विच इंडियन प्लेयर गॉट द फर्स्ट पोजीशन अकॉर्डिंग टू द IITF लिस्ट? IITF जो लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग कौन से प्लेयर को जो है फर्स्ट पोजीशन मिली है? मनु सिंघवी, अंकिता दास, मानव ठक्कर या फिर नेहा अग्रवाल? तो आंसर हमारा रहेगा मानव ठक्कर। मानव ठक्कर को मिली है ये पोजीशन। इसका हेडक्वार्टर जो है वो लॉसेन स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है, और प्रेसिडेंट जो है वो है थॉमस वेकर्ट। थॉमस वेकर्ट इसके प्रेसिडेंट है, और ये इस्टेब्लिश हुई थी 1926 के अंदर, ये इस्टेब्लिश हुई थी ऑर्गेनाइजेशन। वॉट इज द नेम ऑफ द इंडियन माउंटेनियर हु क्लाइंब्ड एंटार्क्टिकाज हाइएस्ट माउंटेन पीक रिसेंटली? एंटार्क्टिका की जो हाइएस्ट माउंटेन पीक है उसको क्लाइंब करने वाली कौन सी थी? मलावाथ पूर्णा, प्रेमलता अग्रवाल, बचेंद्री पाल या फिर संतोष यादव? तो आंसर हमारा रहेगा मालावत पूर्णा। इनके बारे में जान लेते हैं। मालावत पूर्णा जो है उन्होंने कौन सी माउंटेन क्लाइंब की है? विनोस मैसिफ, जो कि 4,900 मीटर जो है अप्रॉक्स इसकी हाइट है, उसको इन्होंने क्लाइंब कर लिया है। और ये जो लेडी हैं मलावाथ पूर्णा, इनकी एक और फैक्ट है कि ये यंगेस्ट इंडियन जो है माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने वाली यंगेस्ट इंडियन का जो खिताब है वो भी इनके नाम पर है। वेयर हैज़ द सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट बीन सेटअप बाय खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन? कहाँ पर ये सेटअप हुआ है? गांधीनगर गुजरात, अहमदाबाद गुजरात, सूरत गुजरात या फिर सुरेंद्रनगर गुजरात? तो इसका आंसर रहेगा सुरेंद्रनगर गुजरात के अंदर जो है ये सेटअप हुआ है। क्या सेटअप हुआ है? प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो सुरेंद्रनगर गुजरात के अंदर सेटअप हुआ है। तो पटोला साड़ी जो मैन्युफैक्चर करते हैं ये लोग गुजरात के अंदर, उसको बढ़ावा देने के लिए, उसकी मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए जो है ये प्लांट वहाँ पर स्थापित किया है। और जो CM है अपने गुजरात के, विजय रूपानी है, और आचार्य देवव्रत है वहाँ के गवर्नर। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको 2-3 बार, तो ये वापस एक बार रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट है, विच इज़ द फिफ्थ रेलवे स्टेशन दैट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड विथ नेविगेशन फैसिलिटी फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पैसेंजर? विजुअली इम्पेयर्ड जो देख नहीं सकते, जिनको देखने में तकलीफ है, उनके लिए कहाँ पर, कौन सी सिटी के अंदर ये लोकेट किया है? चंडीगढ़ के अंदर ये रेलवे स्टेशन जो है वो लोकेट हुआ है, जिसके अंदर विजुअली इम्पेयर्ड पैसेंजर्स जो हैं वो उनको ऐसी सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। ये जो इनिशिएटिव है रेलवे का, ये इसके अंदर इनका साथ दिया है NGO अनुप्रास ने। NGO अनुप्रास भी इनके साथ में जो है मिल के ये सेवा जो है वो प्रदान करेगा, किसको? विजुअली इम्पेयर्ड जो पैसेंजर्स होंगे उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी एन चतुर्वेदी जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई थी, पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज फॉर्मर गवर्नर ऑफ विच स्टेट? फॉर्मर गवर्नर जो थे वो कौन से स्टेट के थे? वो गोवा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना? तो वो फॉर्मर गवर्नर थे कर्नाटका के जो थे वो फॉर्मर गवर्नर, और अभी एट प्रेजेंट जो है वहाँ के गवर्नर है विजू भाई वाला जो है कर्नाटका के एट प्रेजेंट गवर्नर है, और CM है BS येदियुरप्पा जो वहाँ के CM है। ओके नेक्स्ट पढ़ते हैं। विच कमिटी सजेस्टेड द रिफॉर्म फॉर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी टू MHRD? MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट को कौन सी जो कमिटी है उसने सजेस्ट किया था रिफॉर्म फॉर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए? डॉक्टर विजय कमिटी, डॉक्टर HK कमिटी, डॉक्टर S स्वामी कमिटी या फिर डॉक्टर के
कस्तूरी रंजन कमेटी। जी हाँ, डॉक्टर के कस्तूरी रंजन जो कमेटी है उन्होंने ये सजेशन दिया था रिफॉर्म का, तो उसके अंतर्गत क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जिसके अंदर ये आती है, उस कमेटी के जो है हमारे मिनिस्टर कौन है, रमेश पोखरियाल उसके मिनिस्टर है। कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी, हरिद्वार कॉन्स्टिट्यूएंसी से। ठीक है, हु वॉन द मैंस 10 मीटर एयर पिस्टल गोल्ड मेडल इन 63rd नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप रिसेंटली। अभी जो 63rd नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज हुई थी उसको कौन जीता था, विजय कुमार, सौरभ चौधरी, गगन नारंग या फिर जीतू राय। तो सौरभ चौधरी जो हैं उन्होंने ये चैम्पियनशिप जीती थी, अपने नाम की थी उन्होंने। इसके बारे में न्यूज़ ये थी कि भोपाल के अंदर ये ऑर्गेनाइज हुई थी जो चैम्पियनशिप थी, और वहाँ के विनर जो रहे थे अपने सौरभ चौधरी रहे थे। इसके अलावा कुछ ऐसा खास इसकी न्यूज़ है नहीं। वेयर विल द डिफेंस एक्सपो डेफ एक्सपो इंडिया 2020 बी ऑर्गेनाइज बिटवीन 5 to 8 February 2020 के बीच में जो डेफ एक्सपो डिफेंस एक्सपो जो ऑर्गेनाइज होने वाली है वो कहाँ पे होने वाली है, कौन सी सिटी में होने वाली है, दिल्ली में, नोएडा में, लखनऊ में या फिर चेन्नई में। तो ये ऑर्गेनाइज होने वाली है लखनऊ के अंदर, तो डिफेंस से रिलेटेड है, यानी कि डिफेंस मिनिस्टर भी देख लेते हैं, अपने इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैं और ये लखनऊ के अंदर ऑर्गेनाइज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2019 में कौन सा स्थान जो है प्राप्त किया इंडिया ने, विच रैंक डिड इंडिया गेट इन टी टी सी 2019 ऑफ WEF, 32nd, 30th, 34th या फिर 43rd। सो 34th जो है रैंक इंडिया को मिली है इसके अंदर, और जो फर्स्ट रही है वो स्पेन रही है, स्पेन जिसकी कैपिटल मैड्रिड है और करेंसी यूरो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस शहर में योगा साइंस मीट जो है उसका आयोजन किया गया है, वेयर वॉज द योगा साइंस मीट 2020 हेल्ड रिसेंटली, चेन्नई, मैसूर, दिल्ली या फिर बेंगलुरु। तो बेंगलुरु के अंदर ये ऑर्गेनाइज हुई थी, कौन सी, योगा साइंस मीट फॉर योगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गवर्नमेंट्स फ्लैगशिप प्रोग्राम डैश मार्क्ड इट्स 50th एनिवर्सरी ऑन 5th गवर्नमेंट्स फ्लैगशिप प्रोग्राम मार्क्ड इट्स 5th एनिवर्सरी ऑन 5th of January 2020 को इसकी 5th एनिवर्सरी हुई थी, किसकी, मुद्रा, PMJDY, उजाला या फिर उज्ज्वला, कौन सी योजना की 5वीं एनिवर्सरी जो थी वो 5 जनवरी को मनाई गई थी। तो उजाला जो योजना है उसकी 5वीं एनिवर्सरी थी। उजाला का फुल फॉर्म है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल, ये इसका फुल फॉर्म है उजाला योजना। LEDs प्रोवाइड करती है ये गवर्नमेंट, तो उजाला योजना के अंतर्गत ये स्कीम आती है LEDs प्रोवाइड करने की। विच स्कीम फॉर फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ पुअर हैज़ बीन लॉन्च्ड इन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के अंदर जो ये न्यू कौन सी स्कीम लॉन्च हुई है फॉर फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट, स्कीम का क्या नाम है, डॉक्टर YSR, आरोग्यश्री, आरोग्यम, स्वास्थ्य धन या फिर इंद्रधनुष 2.3। तो YSR आरोग्यश्री जो है स्कीम का नाम है, और ये CM जो है वहाँ के आंध्र प्रदेश, क्या नाम है उनका, YS जगनमोहन रेड्डी, उनके नाम पर ये स्कीम लॉन्च हुई है। सो YSR आरोग्यश्री अपना आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ क्रोशिया, क्रोशिया के जो न्यू प्रेसिडेंट अभी हाल ही में बने हैं वो कौन है, कैटरीना कैट्रोविक, जोरान मिलानोविक, कोलैंडिया ग्रैबर या फिर जैकोव। तो जो कोलैंडिया ग्रैबर हैं वो वहाँ की न्यू प्रेसिडेंट बनी है। क्रोशिया के बारे में देख लेते हैं, क्रोशिया जो है वहाँ की अभी न्यू बनी है ये, और क्रोशिया की जो कैपिटल है वो है जैग्रैब वहाँ की कैपिटल है, और कूना करेंसी है क्रोशिया की। इन विच सिटी द 5th एडिशन ऑफ ड्रोसोफिला रिसर्च कॉन्फ्रेंस हैज़ बीन लॉन्च रिसेंटली, कौन सी सिटी में ये लॉन्च हुई है, मुंबई, गोवा, पुणे या फिर केरला। तो पुणे के अंदर ये लॉन्च हुई है न्यू ड्रोसोफिला एक क्या होती है, फ्रूट फ्लाई जिसके ऊपर ये लोग रिसर्च करते हैं, जिसके काफ़ी हाई क्रोमोसोम होते हैं, उसकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। तो ये ड्रोसोफिला है, ड्रोसोफिला के ऊपर काफ़ी साइंटिस्ट जो हैं
वो रिसर्च कैरी ऑन कर रहे हैं अभी, उनकी ये मीटिंग होती है जो कि एनुअली ऑर्गेनाइज होती है फर्स्ट वीक में जनवरी के। नेक्स्ट है, जयराम ठाकुर रिसेंटली लॉन्च्ड माय गवर्नमेंट पोर्टल ऐप, ही इज करंटली सीएम ऑफ विच स्टेट, कौन से स्टेट के सीएम हैं, क्या नाम है उनका, जयराम ठाकुर, जिन्होंने माय गवर्नमेंट पोर्टल ऐप जो है वो अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। तो ये सीएम है हिमाचल प्रदेश के, जिन्होंने अभी रिसेंटली ये ऐप है जिसको लॉन्च किया है, ठीक है। और गवर्नर जो है वहाँ के वो बंडारू दत्तात्रेय है, गवर्नर का के हिमाचल प्रदेश के। CISF टू ऑब्जर्व 2020 एस, CISF यानी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं अपने इंडिया की, वो 2020 को क्या ऑब्जर्व करने वाले हैं, ईयर ऑफ मोबिलिटी जो है वो 2020 को ऑब्जर्व करने वाले हैं। CISF के जो DG हैं वो है राजेश रंजन, राजेश रंजन जो है CISF के DG हैं। जो फेस्टिवल जो है वो कौन से स्टेट के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है, जो फेस्टिवल विल बी सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा या फिर मिजोरम। तो मिजोरम के अंदर ही इसका फेस्टिवल का नाम छिपा है, मिजो, तो मिजोरम के अंदर ये जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी कोई ऐसी खास न्यूज़ नहीं है, सिर्फ जो फेस्टिवल के बारे में पूछा, तो मिजोरम के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। किसे हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नया सलाहकार जो है वो बनाया गया था, हु हैज़ बीन मेड द एडवाइजर ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिसेंटली, GC मुर्मा, किरण बेदी, राजीव राय भटनागर या फिर VP सिंह बडनोरे। तो राजीव राय भटनागर जो हैं उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर का नया सलाहकार जो है वो बनाया गया था, ठीक है, इसकी इतनी न्यूज़ है। हाल ही में कोलकाता शहर की पुलिस ने सुकन्या योजना का तीसरा संस्करण जो है वो शुरू किया है, ठीक है। योजना किससे संबंधित है, ये योजना किससे संबंधित है, ऑब्वियसली सुकन्या योजना, नाम से हमें पता चल जाना चाहिए कि लड़कियों के लिए है, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के लिए ये जो पुलिस ऑर्गेनाइज कर रही है कोलकाता की, वो खुद जाके जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या स्कूल्स हैं वहाँ पर सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देती है लड़कियों को, छात्राओं को, स्कूली और कॉलेज गोइंग गर्ल्स को। तो ये सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग की जो स्कीम है वो लॉन्च हुई है। तो वेस्ट बंगाल की जो हमारी CM है ममता बनर्जी हैं और वहाँ के जो गवर्नर हैं वो जगदीप धनकर हैं। हु हैज़ बीन मेड द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन, नेशनल मेडिकल कमीशन के न्यू चेयरमैन कौन है, सुरेश चंद्र शर्मा, जय शर्बीन मेहता, हरजीत कौर जोशी या फिर सुचेता सतीश। तो आंसर हमारा रहेगा सुरेश चंद्र शर्मा जो हैं हमारे न्यू चेयरमैन बनाए गए हैं नेशनल मेडिकल कमीशन एम्स के, जिसके अंतर्गत जो हमारी डिजीजेस होती है ईयर की, थ्रॉट की या फिर नेक की जो डिजीजेज हैं वो इसके अंदर इंक्लूडेड होती है, उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं, चेयरमैन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन एम्स के हैं ये सुरेश चंद्र शर्मा। विच इंडियन हैज़ वॉन द 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड, चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड है जो 100th जो ऑर्गेनाइज हुआ था वो किसने जीता है, सिवन सतीश, वरुण, सुचेता सतीश या फिर रामानुज। तो सुचेता सतीश जो है उन्होंने 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड जो है वो जीता है, और ये जीता इन्होंने कैटेगरी क्या थी, इनकी सिंगिंग कैटेगरी थी, इन्होंने अलग अलग लैंग्वेज के अंदर सॉन्ग्स गाए हैं और काफ़ी फेमस हुई थी ये उसके लिए, जिसकी वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया है। हु वॉन द मिस टीन इंटरनेशनल अवार्ड, मिस टीन इंटरनेशनल अवार्ड किसने अपने नाम किया, मिस आयुषी ढोलकिया, मिस पूजा ढोलकिया, मिस रुचि या फिर मिस श्वेता सिंह। तो मिस आयुषी ढोलकिया जो है उन्होंने मिस टीन इंटरनेशनल का अवार्ड अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी वुमेन साइंस कांग्रेस बिगिन, वुमेन साइंस कांग्रेस जो है वो कौन सी सिटी के अंदर शुरू हुई है, ये पहली बार जो है वुमेन साइंस कांग्रेस मीटिंग जो है वो बैठाई गई थी, जो कि मुंबई में थी, दिल्ली में थी, बेंगलोर में थी या फिर जयपुर में थी। तो ये जो मीटिंग हुई थी ये बेंगलोर के अंदर हुई थी, और इसके अंदर जो चीफ गेस्ट थी वो हमारी DRDO की DG डॉक्टर टेसी थॉमस जो हैं वो वहाँ की चीफ गेस्ट थी, जिन्हें मिसाइल वुमेन भी कहा जाता है, इंडिया की मिसाइल वुमेन जो है टेसी थॉमस हैं।
Who got the C.K. Naidu Lifetime Achievement Award? C.K. Naidu Lifetime Achievement Award किसको दिया गया था? ये मैं बता दूं कि ये अवार्ड जो देती है BCCI देती है, यानी क्रिकेट से रिलेटेड है ये अवार्ड. तो ये किसको मिला था? सचिन तेंदुलकर, VVS लक्ष्मण, अभिनव बिंद्रा, सहवाग, कपिल देव, जाहिर खान या फिर के श्रीकांत एंड अंजुम चोपड़ा. तो के श्रीकांत और अंजुम चोपड़ा को जो है BCCI ने ये अपना अवार्ड दिया था, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड. हाल ही में किसे UN ने मोस्ट फेमस टीनेजर ऑफ द डिकेड घोषित किया है? मोस्ट फेमस टीनेजर का अवार्ड जो है वो किसे घोषित किया है, किसको दिया है UN ने? मलाला यूसुफ़ज़ई, ऋषभ जैन, मार्ले डियास या फिर मरसाई. तो मलाला जो है, जिनको हम सभी जानते हैं, उनको ये अवार्ड जो है घोषित किया है, विनर घोषित किया है किसने? UN ने मोस्ट फेमस टीनेजर का. विच वर्ड हैज़ बीन चूजेस एज द वर्ड फॉर द डिकेड? कौन सा वर्ड है जिसको वर्ड ऑफ द डिकेड चुना गया है? दे को चुना गया है. दे को इसलिए चुना गया है क्योंकि जो बाइसेक्सुअल है कम्युनिटी, वो दे को मोस्टली प्रेफर करती है, ही शी की बजाय दे को वो लोग यूज़ करते हैं. दे जो है वर्ड, वो दोनों कम्युनिटी, मेल हो या फीमेल जेंडर, वो यूज़ कर सकती है दे. तो दे को वर्ड ऑफ द डिकेड का जो है खिताब दिया गया है, चुना गया है. इन विच स्टेट विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर विल बी इस्टेब्लिश्ड? कौन से स्टेट के अंदर विक्रम साराभाई जो चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर है, जो चिल्ड्रंस पे फोकस करेगा, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, 14 ईयर्स 18 ईयर्स 16 17 ईयर्स के जो चिल्ड्रन होते हैं जो इनोवेशन के अंदर काम कर रहे हैं, साइंटिफिक इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, उनके लिए ये सेंटर खोला जाएगा. कहाँ पर? गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर या फिर पंजाब. तो ये गुजरात के अंदर जो है ये सेंटर को खोला जाएगा. किस भारतीय खिलाड़ी ने हेस्टिंग अंतर्राष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस का जो टाइटल है वो अपने नाम किया है? विच इंडियन प्लेयर वॉन हेस्टिंग्स इंटरनेशनल चेस कांग्रेस टाइटल? पी मगेश चंद्रन, सुरेश चंद्रन, आर चंद्रन या फिर के राजा. पी मगेश चंद्रन जो है उन्होंने ये टाइटल जीता है. क्या टाइटल था? हेस्टिंग्स इंटरनेशनल चेस कांग्रेस का जो टाइटल है इन्होंने अपने नाम किया. नेक्स्ट देखते हैं. The Home Minister of India, Amit Shah, released a book titled Karma Yodha Granth. Karma Yodha Granth जो है वो book इन्होंने release की है. This book is related to whom? Life of Nitin Gadkari, Life of Sushma Swaraj, Life of Ramnath Kovind या फिर Life of RPM Narendra Modi. तो PM Narendra Modi जो है उनकी life के ऊपर ये book है जो कि inaugurate हुई है. किसने inaugurate की है? Amit Shah ने. ठीक है, next चलते हैं. When International World War Orphans Day जो है सेलिब्रेट किया जाता है, अनाथ जो बच्चे हैं वर्ल्ड वॉर के अंदर जिनके माता पिता की डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, उनके लिए बेसिकली एक डेट जो है रखा गया है. कौन सा डे है वो? 6th of January जो है वो इंटरनेशनल वर्ल्ड वॉर ऑर्फन्स डे जो है उसके उपलक्ष्य में ये सेलिब्रेट किया जाता है. अकबर पदमसी पास्ड अवे रिसेंटली, विच फील्ड ही वॉज रिलेटेड टू? अकबर पदमसी नाम के एक व्यक्ति हैं जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई थी, वो कौन से फील्ड से रिलेटेड थे? ये काफ़ी पॉपुलर जो हैं पेंटर थे, ये पेंटिंग करते थे, आर्टिस्ट थे, फेमस आर्टिस्ट थे ये एक, जिनकी अभी रिसेंटली मृत्यु हो गई थी. 91 ईयर्स के थे ये, जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हो गई थी. विच इंडियन स्टेट हैज़ रजिस्टर्ड हाइएस्ट IPD केयर इन द कंट्री? IPD केयर यानी कि जो बीमार लोग हैं उनको चिकित्सा प्रदान करने के अंदर सबसे हाईएस्ट जो है रैंक कौन से स्टेट की आई है? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर. जम्मू कश्मीर की खुद की जो है 96% जो है IPD केयर जो रेट थी वो थी, और इंडिया का जो एवरेज है वो अराउंड 86 है. 86 अराउंड इंडिया का है एवरेज. इवन इसके अंदर जम्मू कश्मीर का ही 96% है. वेयर वॉज द 4th बक्सा बर्ड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ था? कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ ये? सवाई माधोपुर, चंडीगढ़, वेस्ट बंगाल या फिर केरला? तो ये ऑर्गेनाइज हुआ था वेस्ट बंगाल के अंदर. वेस्ट बंगाल के अंदर जो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी बक्सा नाम से है, उसके अंदर ही ये बक्सा, उसी के अंतर्गत ये बक्सा जो है बर्ड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होगा. यहाँ पे जो है ऑल इंडिया ही नहीं बाकी इंटरनेशनल लेवल पे भी 50 बर्ड वॉचर्स जो हैं उनके आने की एक्सपेक्टेंसी है कि 50 बर्ड वॉचर्स ऑल अराउंड द ग्लोब आने वाले हैं इस फेस्टिवल के अंदर. आगे चलते हैं.
Where has the 31st International Kite Festival started in India? Kite Festival जो है अपना 31st International जो Kite Festival है वो कहाँ पर organize होने वाला है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या फिर पंजाब? तो ये गुजरात के अंदर होने वाला है, रिवर फ्रंट पे ही ऑर्गेनाइज होता है, हमारे अहमदाबाद रिवर फ्रंट के उधर। और ये जो है काफ़ी टाइम से, इवन 90s के टाइम से जो गुजरात है वो इसको होस्ट कर रहा है। सो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है अपनी, गुजरात काफ़ी टाइम से काइट फेस्टिवल को होस्ट कर रहा है। विच इंडियन बैंक्स विल क्लोज देयर ऑपरेशन इन श्रीलंका? श्रीलंका के अंदर कौन से बैंक है जो अपनी ऑपरेशन जो है वो क्लोज करने वाले हैं? BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा एंड PNB, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक या फिर ICICI एंड एक्सिस बैंक? ICICI और एक्सिस बैंक जो है वो श्रीलंका के अंदर अपनी फंक्शनिंग यानी कि अपना जो डे टू डे काम है वो बंद करके, ऑपरेशन वाइंडिंग अप करके उनका चालान जो है वो भी रद्द कर दिया जाएगा अब श्रीलंका गवर्नमेंट द्वारा। तो ये अपना जो वहाँ पे बैंक एस्टैब्लिशमेंट है वो क्लोज करने वाले हैं। वेयर डिड द इंडियन नेवी स्टार्ट इट्स फर्स्ट महानेवी कनेक्ट 2020? कहाँ पर इंडियन नेवी ने अपना फर्स्ट जो है महानेवी कनेक्ट 2020 जो है वो ऑर्गेनाइज किया है? कांडला पोर्ट, चेन्नई, मुंबई या फिर पोर्ट ब्लेयर? तो ये जो नया है अपना फर्स्ट महानेवी कनेक्ट 2020 वो मुंबई के अंदर ऑर्गेनाइज होगा। इसका मेन पर्पस जो है, जो हमारी कोस्टल लाइन है इंडिया की, उसके ऊपर जो सिक्योरिटी है उसका ध्यान रखना है, सारी की सारी कोस्टल लाइन को जो है सुरक्षित रखना है, ये इस महानेवी कनेक्ट 2020 का जो है ऑब्जेक्ट है। आगे चलते हैं। वर्ल्ड कप विनर डैनियल डे रोसी हु हेल्स फ्रॉम इटली गॉट रिटायर्ड फ्रॉम विच गेम? तो इटली के जो हमारे डैनियल डी रोसी प्लेयर हैं वो कौन से गेम से ताल्लुकात रखते हैं? क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल या फिर हैंडबॉल? तो वो फुटबॉल प्लेयर है, काफ़ी जाने माने फुटबॉल प्लेयर है इटली से हमारे। तो इटली की हम लोग कैपिटल देख लेते हैं, रोम जो है इटली की कैपिटल है और करेंसी यूरो है, और वहाँ के प्रेसिडेंट जो है वो है सर्जियो मैटरेला। सर्जियो मैटरेला जो है हमारे प्रेसिडेंट है इटली के, और PM है वहाँ के यूसेप कॉन्टे। यूसेप कॉन्टे वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री द इंडियन एम्बेसी हैज़ ऑर्गेनाइज्ड एन आर्ट एग्जीबिशन? कौन सी जो कंट्री है जिसके अंदर इंडियन एम्बेसी है वो आर्ट एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करने वाली है? बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या फिर भूटान? तो बांग्लादेश के अंदर ये आर्ट एग्जीबिशन जो है इंडियन एम्बेसी लॉन्च जो है ऑर्गेनाइज करने वाली है। आगे चलते हैं। विच कंट्री हैज़ गिवन द परमिशन फॉर 5-year वैलिडिटी मल्टी टूरिस्ट वीज़ा? कौन सी जो है कंट्री है जिसने परमिशन दे दी है 5-year वैलिडिटी मल्टी टूरिस्ट वीज़ा के लिए? ईरान, USA, UAE या फिर इंडिया? तो UAE जो है कंट्री हमारी, उसने इनको परमिशन दे दी है वैलिडिटी मल्टी टूरिस्ट वीज़ा को, 5-year वैलिडिटी मल्टी टूरिस्ट वीज़ा को। विच इंडियन आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी गॉट नेशनल इम्पॉर्टेंट स्टेटस रिसेंटली? कौन सी आयुर्वेद यूनिवर्सिटी है जो कि नेशनल स्टेटस जिसको मिल चुका है? नेशनल स्टेटस IITs को है, एम्स को मिला हुआ है। तो पहली कौन सी आयुर्वेद यूनिवर्सिटी है जिसको भी नेशनल स्टेटस मिल गया, नेशनल कैटेगरी में आ गई है? राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी या फिर पंजाब आयुर्वेद यूनिवर्सिटी? गुजरात की जो यूनिवर्सिटी आयुर्वेद की, उसको नेशनल इम्पोर्टेंस मिल गई है। नेक्स्ट देखते हैं। सरकार ने इंद्रधनुष गैस ग्रिड परियोजना के लिए कितने रुपयों की जो है वो मंजूरी जो है वो दे दी है? तो 5,559 करोड़ का बजट जो है वो सैंक्शन हो चुका है, मतलब मंजूरी दे दी है सिर्फ और सिर्फ इंद्रधनुष गैस ग्रिड स्कीम योजना के लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। किस देश ने अमेरिकी सेना और पेंटागन को आतंकवादी संस्थाएं घोषित कर दिया है? कौन से देश ने अमेरिकी सेना को जो है और पेंटागन को जो है टेररिस्ट संस्थाएं जो है वो घोषित कर दिया है? UAE, ईरान, नॉर्थ कोरिया या फिर पाकिस्तान? तो ईरान से, जैसा कि हमें पता है अभी मुठभेड़ चल रही है अमेरिका की और ईरान की, तो ऑब्वियसली ईरान जो कंट्री है उसने इसके आउटकम में, रिजल्ट में जो है
उनके उन्होंने जो अटैक किया था उसके रिजल्ट में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही घोषित कर दिया पेंटागन को और अमेरिकी सेना को, यूएस आर्मी को। तो ईरान जो है इसका सही आंसर है। हु इनॉग्रेटेड एडवांटेज महाराष्ट्र एक्सपो 2020? किसने इनॉग्रेट किया था एडवांटेज महाराष्ट्र एक्सपो 2020? नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस, अमित शाह या फिर उद्धव ठाकरे? तो उद्धव ठाकरे जो सीएम है हमारे महाराष्ट्र के, उन्होंने ही जो एडवांटेज महाराष्ट्र एक्सपो 2020 ऑर्गेनाइज हुई थी उसको उन्होंने क्या किया था, इनॉग्रेट किया था। इसकी आगे चलते हैं। हु बिकेम द चेयरमैन ऑफ AEPC, भारतीय परिधान निर्यात संवर्धन परिषद AEPC का चेयरमैन जो है वो किसे बनाया गया है? HKL मगु, प्रवीण राज, ए साक्तीवाल या फिर वेणु गोपाल? किसे बनाया गया था? ए शक्तिवाल जो है, शक्तिवेल, उनको इसका न्यू चेयरमैन ऑफ AEPC जो है वो बनाया गया था, जो कि इस्टेब्लिश हुई थी 1978 के अंदर। कहाँ पर? गुरुग्राम हरियाणा के अंदर जो है ये इस्टेब्लिश हुई थी 1978 के अंदर। विच स्कीम हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय SBI? अभी रिसेंटली जो स्कीम कौन सी है जो कि SBI जो है उन्होंने डिक्लेयर की है? हाउसिंग स्कीम, RBBG, न्यू मुद्रा स्कीम या फिर GRRB? RBBG जो कि खुद में एक हाउसिंग स्कीम ही है, उसे अभी रिसेंटली SBI जो है उन्होंने पास किया था, डिक्लेयर किया था। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? रेजिडेंशियल बिल्डर फाइनेंस विथ बायर गारंटी जो है इस स्कीम का पूरा नाम है, जिसके अंदर जो रेजिडेंशियल रेजिडेंशियल लोन्स होते हैं, हाउसिंग लोन्स होते हैं, उनको बढ़ाने के अंदर SBI ने ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। इसके जो चेयरपर्सन है अपने SBI के हैं वो रजनीश कुमार हैं और हेडक्वार्टर इसका मुंबई में लोकेटेड है और इस्टेब्लिश जो हुई थी ये 1 जुलाई 1955 को SBI इस्टेब्लिश हुई थी मुंबई में। हु हैज़ वॉन द फेमस ब्रिटिश कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड? ब्रिटिश कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड जो हाल ही में ऑर्गेनाइज हुआ था वो किसने जीता? सेबेस्टियन बैरी, AL कैनेडी, विलियम बॉयड या फिर जसबिंदर बिलान? तो भारतीय मूल की हमारी जसबिंदर बिलान जो हैं उन्होंने ये अवार्ड अपने नाम किया है। इन विच स्कीम इंडियन रेलवे विल इंस्टॉल IP बेस्ड VSS सिक्योरिटी सिस्टम एट स्टेशन? कौन सी स्कीम के अंतर्गत जो है इंडियन रेलवे है वो VSS सिक्योरिटी सिस्टम अलग अलग स्टेशन पे इंस्टॉल करने जा रहा है? निर्भया स्कीम, जीवन आनंद स्कीम, प्राइम मिनिस्टर स्कीम या फिर रेलवे सिक्योरिटी स्कीम? तो निर्भया स्कीम के अंतर्गत ये जो इंडियन रेलवे है वो ये लॉन्च करने जा रहा है VSS सिक्योरिटी वीडियोस जो होंगी रिकॉर्डिंग वो फैसिलिटी जो है अलग अलग रेलवे स्टेशन पे इंडियन रेलवे लगाने वाला है। तो रेलवे जो हमारे मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, पीयूष गोयल जो हैं हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो महाराष्ट्र कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये आते हैं, महाराष्ट्र कॉन्स्टिट्यूएंसी। सेंसस एक्सरसाइज 2021 स्टार्टेड फ्रॉम विच मंथ? कौन से मंथ से जो सेंसस एक्सरसाइज 2021 है वो स्टार्ट होने जा रही है? फरवरी 2020, अप्रैल 2020, मार्च 2020 या फिर दिसंबर 2020? तो अप्रैल से लेके सितंबर तक ये जो है अपनी सेंसस एक्सरसाइज है वो चलेगी। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि अप्रैल 2020 में ये जो एक्सरसाइज है वो शुरू हो जाएगी, जिसके कमिश्नर और रजिस्ट्रार जो है विवेक जोशी हैं। विवेक जोशी जो हैं वो इसके कमिश्नर हैं और रजिस्ट्रार भी वही हैं। किसके? सेंसस जो हमारे ऑर्गेनाइज करवाती है कमीशन, उसके। विच स्टेट स्टार्टेड द फेमस चैरियट फेस्टिवल सुचिंद्रम थन्नमलियन? सुचिंद्रन थानुमलियन जो मंदिर है उसका चैरियट फेस्टिवल कहाँ पर होने वाला है? केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर वेस्ट बंगाल? तो इसका आंसर रहेगा तमिलनाडु के अंदर ये जो है फेस्टिवल वो ऑर्गेनाइज होने वाला है, जहाँ पर सुचिंद्रम थानुमलियन मंदिर जो है वो स्थापित है। तमिलनाडु के जो हमारे CM हैं वो है के पलानी स्वामी और वहाँ के गवर्नर हैं जो बनवारी लाल पुरोहित हैं और कैपिटल है वहाँ की चेन्नई। ठीक है, तमिलनाडु का था ये इन्फॉर्मेशन। आगे चलते हैं।
Who has made the new chairman and MD of Hudco? Chairman और MD किसको बनाया Hudco का? केशव महिंद्रा, VV पारिक, M नागराज या फिर I चौधरी? तो Hudco के जो न्यू चेयरमैन और MD हैं वो बन गए हैं M नागराज. M नागराज जो हैं वो न्यू MD और चेयरमैन बन गए हैं Hudco के. और Hudco का फुल फॉर्म है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. विच इंस्टीट्यूट हैज स्टार्टेड वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस? कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूट है, बैंक है, जिसने ये प्रोसेस शुरू किया है, कौन सा वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस? इसके अंदर क्या होने वाला है कि जो KYC होती है, नो योर कस्टमर, जो नॉर्म्स है, उसके अंतर्गत RBI जो है उसने ये न्यू पॉलिसी निकाली है कि जो भी उनके कस्टमर्स होंगे बैंक्स को, उनकी वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस होना चाहिए. वीडियो के अंदर, वीडियो के थ्रू उनको आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस जो है वो शुरू करेंगे, जिसके अंदर डेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. डेट एंड टाइम का जो स्टैम्प है उसके अंदर लगा होना बहुत ज़रूरी है सिक्योरिटी के लिहाज से. और अगर वो नहीं हुआ तो RBI उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है. तो यानी सारे जो बैंक्स हैं उनको वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस फॉलो करना होगा. वेयर विल नेवल एक्सरसाइज मिलान बी बिगन? मिलान जो एक्सरसाइज है, नौसैनिक अभ्यास है, वो कहाँ पर शुरू होने वाला है? विशाखापट्टनम, चेन्नई, बंगाल की खाड़ी या फिर पोर्ट ब्लेयर? विशाखापट्टनम के अंदर जो है ये शुरू होने वाला है. और एडमिरल करमबीर सिंह जो हैं हमारे नौसेना के प्रमुख हैं. एडमिरल करमबीर सिंह, एडमिरल रैंक पे है वो, करमबीर सिंह उनका नाम है, जो कि नौसेना के प्रमुख है. और हमारा जो नेवी डे है वो कब मनाया जाता है? हर साल 4th of December को नेवी डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हेन विल इंडियाज फर्स्ट इंडिग्नस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत टू बी कमीशन? कौन से साल में इंडिया का जो फर्स्ट इंडिग्नस एयरक्राफ्ट है उसको, विक्रांत जो है उसको कमीशनिंग मिल जाएगी? 2020, 2025, 2021 या फिर 2028? तो 2021 के अंदर जो है ये कमीशन हो जाएगा और 2022 से इसके ऑपरेशन जो हैं वो भी शुरू हो जाएंगे 2022 के अंदर. वॉट विल बी इंडियाज ग्रोथ रेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020 अकॉर्डिंग टू दी वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक हमेशा हर साल एक रेट जो है वो जारी करता है हर कंट्री की. तो इस बार इंडिया की क्या रेट उन्होंने जारी की है? 6%, 4.5%, 5% या फिर 8%? तो इस साल उन्होंने जो जारी की है वो 5% है, कि इस साल जो इंडिया की ग्रोथ होगी वो 5% होने वाली है. वर्ल्ड बैंक जो है हमारी, उसके प्रेसिडेंट जो हैं वो डेविड आर मालपास हैं. और इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक इज इन वॉशिंगटन DC. हालांकि 5% जो हमारी ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड है वो पिछले साल से कम है, बट जो नेक्स्ट ईयर की जो ग्रोथ रेट है वो भी वर्ल्ड बैंक ने जारी की है, एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट जो कि हमारी 5.8 बोली गई है. वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 5.8 जो हमारी ग्रोथ रेट रहेगी नेक्स्ट ईयर. वॉट रैंक गॉट बाय इंडिया इन हैनली पासपोर्ट इंडेक्स 2020 लिस्ट? हैनली पासपोर्ट इंडिया, हैनली पासपोर्ट इंडेक्स जो है उसके अंदर इंडिया की जो रैंक है 2020 के अंदर वो क्या रही है? 48th, 42nd, 24th या फिर 84th? तो 84th रैंक हमारी इंडिया की रही है. और इस लिस्ट को टॉप किया है, किसने किया है? जापान. जापान जो है वो 191 कंट्रीज के अंदर वीज़ा जो है वो प्रोवाइड करता है. 191 कंट्रीज़ के अंदर आप जा सकते हैं. तो जापान जो है वो क्या रहा है, हमेशा फर्स्ट नंबर पर जापान रहा है और 84th नंबर पर हमारा इंडिया रहा है. हु वॉन द 7th विमेन आइस हॉकी टूर्नामेंट 2020? आइस हॉकी टूर्नामेंट जो अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइज हुआ था 7th, वो कौन सा जो है स्टेट जीता है इंडिया में? सिक्किम, लद्दाख, मणिपुर या फिर मिजोरम? तो लद्दाख जो है वो ये 7th विमेन आइस हॉकी टूर्नामेंट 2020 जो है वो जीत गया है.
IT minister showed the green sign for laying submarine cables from Chennai to which UT state or country? कौन सा यूटी या फिर स्टेट या फिर कंट्री है जिसके अंदर आईटी मिनिस्टर ने ग्रीन सिग्नल शो कर दिया है लेइंग सबमरीन केबल्स को बिछाने के लिए? कौन सी ऐसी यूटी है? तो जी हाँ, यूटी ही है, अंडमान निकोबार जो है इसका आंसर रहेगा। अंडमान निकोबार, चेन्नई से अंडमान निकोबार तक जो है ये केबल जो है लगाई जाएंगी, बिछाई जाएंगी। इससे जो नेट की जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी अंडमान निकोबार के अंदर। तो वहाँ पर जो नेट की सुविधा है उसको बढ़ाने के लिए, नेट का यूसेज जो है उसे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने ये केबल्स बिछाई है जो कि अंडमान तक बिछाई जाएंगी, चेन्नई से अंडमान तक। अंडमान निकोबार के जो डिप्यूटी गवर्नर हैं वो डीके जोशी हैं। डीके जोशी जो हैं हमारे डिप्यूटी गवर्नर हैं किसके? अंडमान एंड निकोबार के। और इसकी जो कैपिटल है वो है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर जो है ये कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इतने क्वेश्चंस थे जो हमने इस पूरे हफ्ते में आपको पढ़ाए हैं। अप्रॉक्स 75 क्वेश्चंस ये थे जो कि हमने आपको 72-75 क्वेश्चंस इस हफ्ते हमने कवर किए थे, जो इस बार मैंने वापस रिपीट किए इस वीडियो के अंदर, ताकि कोई डाउट रहा हो, किसी के अंदर कन्फ्यूजन रहा हो, या आप वीडियोज़ ना देख पाए हो सारी, तो कंक्लूजन के हिसाब से मैंने ये सारी जो क्वेश्चंस थे जॉट डाउन करके आपके लिए वापस वीडियो बनाई है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। कोई अगर प्रॉब्लम हो तो हम उस इशू उसको रिजॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।